Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said. Hello guys and welcome back to the channel. And guys, hope करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे. तो लोधा सुले आए हुए थे, बैंक का कुछ काम था, तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है. तो अभी हम लोग घर जाने वाले हैं. तो इसको भगाएंगे और इसके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में. तो थोड़ा खींच के देखते हैं. थर्ड गियर में जो इसका साउंड आता है ना, मेरे को एक नंबर का लगता है भाई साहब. तो इसमें आपको 155 सीसी का इंजन मिल जाता है जो 18.6 पीएस का पावर जनरेट करता है और 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क. तो इसको देखते हैं क्या. पर्सनली मेरे को नेकेड बाइक से ज़्यादा फेड बाइक पसंद है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेड बाइक में जो लुक आता है ना, वो नेकेड बाइक में उतना ज़्यादा लुक मेरे को अच्छा नहीं लगता. तो देखो, अलग अलग चीज़ का अलग अलग लुक होता है. तो मेरे को पर्सनली फेड बाइक ही पसंद है. और उसी के साथ इसमें आपको एरोडायनामिक भी मिल जाता है, जिसके वजह से आप और भी तेज़ से निकल सकते हो. उसी के साथ ये जो R15 वर्जन 3 है ना, ये मेरे को हर साइड से पसंद है, क्योंकि लुक वाइज तो कोई जवाब नहीं है. और उसी के साथ 155 सीसी होने के बावजूद भी ये RC 200, RS 200, NS 200 को भी टक्कर दे देता है. और एक चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है इस बाइक का, इसका माइलेज. अराउंड आपको 40-50 का माइलेज तो आपको देखने को मिल ही जाता है. अगर आप भगाते भी हो ना, तो 40 के आसपास आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा. और अगर आप नॉर्मल जाएंगे तो आपको 50 के आसपास तो देखने को मिल ही जाएगा. इस कार वाले को देख लो भाई साहब, ये तो पूरा एकदम मिडिल में जा रहा है. कोई एक लेन पकड़ के जाओ ना भाई साहब. देखो, बाइक में हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट पीछे अगर कार होता तो इसको गाली ज़रूर देता. ज़्यादा विंड की वजह से मेरा मोबाइल एक साइड हो गया, तो इसको ठीक कर लेते हैं. और बाय द वे, ये टॉप स्पीड इसका शायद 150-55 चल जाता है. बाय द वे, मैंने बहुत पहले बहुत सारे वीडियोस देखे थे जहाँ पर 50-55 ये टच कर देता है. बट अपने हिसाब से चलाना भाई साहब, सभी को रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो, टॉप स्पीड टच करने में कुछ भी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाला. अगर आप ठीक रहेंगे तो नेक्स्ट राइड कर पाएंगे. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah. So R15 की ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है. तो फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है. और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक का सस्पेंशन और रियर में आपको मोनोशॉक मिल जाते हैं. तो ओवरऑल जो मेरे को लगा, तो देखो बाइक ठीक ठाक ही है. छोटा सा राइड मतलब तो, और इसकी जो प्राइस है अराउंड ये आपको मिलता है 1,80,000-90,000 ऑन देना है वीडियोस देखने के लिए. तो फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ. बाय बाय.
it's gonna be a long